स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, 0, -3। ठीक है, तो चलिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना प्लेन। ये आपका एक्स, एक्स डैश, वाई और ये y डैश। ठीक है, तो हम अपना पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा और हमारा जो पैराबोला होगा वो यहीं से पास करेगा। इसका ये फोकस पॉइंट है 0, -3। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम x कॉमा वाई ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा। ठीक है, वैसे इसको ना बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो ठीक इसके पीछे बनेगी, ठीक इसके पीछे बनेगी। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू थ्री है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 3 हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब ये जो आपका पैराबोला होता है तो ये किस टाइप का पैराबोला है, x² = -4ay फैमिली वाला ये पैराबोला है। ठीक है, तो देखिए द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज 0, -3 एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस हूज फोकस इज 0, -3। सो दिस पैराबोला लाइज इन फैमिली ऑफ x² = -4ay। ठीक है, तो इस फैमिली में लाई करता है। तो ये इसका फोकस क्या होता है, इसका जो फोकस होता है ये होता है 0, -a। किसके इक्वल है, 0, -3 के। तो यहां से -a = कितना हो जाएगा, -3। तो a = कितना हो गया, 3 हो गया, a = 3 हो गया। अच्छा, इस टाइप के पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, -4ay होती है। ठीक है, तो x² = ये कितना हो जाएगा, -4 × 3y। तो इस पैराबोला के लिए जो इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x² = -12y हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।